नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल देवियों, सज्जनों, स्वागत करता हूँ आप सबका इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा नाशपति। सबसे पहले स्वागत कीजिए मीना कुमारी का, जो आई है महाराष्ट्र मुंबई से। इनकी आयु है 18 साल और अभी ये ग्रेजुएशन कर रही है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। अब स्वागत कीजिए राहुल शर्मा का, जो आए हैं राजस्थान पिनवाड़ा से। इनकी आयु है 25 साल और अभी पेशे से ये एक इंजीनियर है। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। तो देवी सज्जनों, चलिए खेल लेते हैं अपना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो ये रहा कंटेस्टेंट्स, आप सबकी स्क्रीन के ऊपर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन। इन सबको छोटे से बड़े क्रम में जमाइए। अरेंज दीज ऑप्शन इनटू स्मॉलर टू बिगर ऑर्डर। इनके ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन के सामने। सबसे पहले छोटी चींटी, उसके बाद बड़ी से भी बड़ी चींटी, उसके बाद मीडियम चींटी, उसके बाद बड़ी चींटी। तो उत्तर तो दोनों ने ही सही दिया है, लेकिन जो सबसे तेज उत्तर दिया उन्होंने दिया है मीना कुमारी ने। इसलिए स्वागत कीजिए इनका हॉट सीट पर। नमस्ते मीना कुमारी जी। तो आ गई है मीना कुमारी साइड में हमारे, तो चलिए लेके चलते हैं इनको हॉट सीट पर और खेलते हैं कौन बनेगा नाशपति। लेट्स प्ले कौन बनेगा नाशपति। तो मीना कुमारी जी, जैसे हमने आपको बता दिया, इस गेम में होते हैं पूरे के पूरे 6 प्रश्न। पहले प्रश्न का मूल्य होगा पूरे के पूरे 1 रुपए, दूसरे प्रश्न का मूल्य होगा पूरे के पूरे 5 रुपए, तीसरे प्रश्न का मूल्य होगा 10 रुपए, चौथे प्रश्न का मूल्य होगा 15 रुपए, पांचवे प्रश्न का मूल्य होगा 20 रुपए, और जो हमारा छठा प्रश्न है यानी कि जैकपॉट प्रश्न, उस पे आपको जीतने को मिलेगा एक नाशपति। तो चलिए खेलते हैं कौन बनेगा नाशपति। लेट्स प्ले कौन बनेगा नाशपति। तो चलिए पहला प्रश्न आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मीना कुमारी जी। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप खड़े हैं 2 मंजिला ऊपर बिल्डिंग पे और आपको नीचे देख के बताना है कि नीचे कितनी चींटी घूम रही है। आपके ऑप्शन है ये रहे, पहला ए 1 चींटी, दूसरा बी 2 चींटी, तीसरा सी 3 चींटी, चौथा डी पता नहीं। ऑप्शन डी को लॉक कर दिए। तो कंप्यूटर जी, मीना कुमारी कह रही है ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। तो करिए ऑप्शन डी को लॉक, ताला लगाया जाए। मीना कुमारी आपका सही उत्तर है। तो दूसरा प्रश्न मीना कुमारी जी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इस मुहावरे को पूरा कीजिए, घर की मुर्गी डैश बराबर, और आपके ऑप्शन है ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ए तरबूज, बी घास, सी दाल, डी कुछ भी नहीं। तो बताइए मीना कुमारी जी, आप किसको चूज करना चाहेंगी। ओपन सी दाल बराबर। तो कंप्यूटर जी, मीना कुमारी जी कह रही है ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। तो करिए ऑप्शन सी को लॉक, ताला लगाया जाए ऑप्शन सी पर। तो मीना कुमारी जी का ऑप्शन सही है, तालियां। तो मीना कुमारी जी, प्रश्न 3 आ चुका है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। तो ये एक ऑडियो प्रश्न है, तो इसे आपको एक गाना सुनाया जाएगा, फिर आपको बताना होगा ये गाना किसके लिए गाया गया है। तो पहले कंप्यूटर जी आप गाना चलाइए। तो ये रहे ऑप्शन आपकी
कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाना तो आपने सुन लिया है मनमोहन कुमार जी, तो अब आपके ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए उन्दास जी, ऑप्शन बी भिंजय पूजा, ऑप्शन सी कैरी मिनाटी, ऑप्शन डी चाचा जी। तो बताइए मीना कुमारी जी, आप किसको चूज करना चाहेंगी? अच्छे से सोच लीजिए मीना कुमारी जी। अच्छा जी, ए को लॉक कीजिए। तो कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए ए को, जो है उल्लास जी। तो मीना कुमारी जी चुकी है पूरे के पूरे 10 रुपए, तालियां। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा मीना कुमारी जी। सिंचन नाटक जो आता है एक टीवी के ऊपर, बच्चों का टीवी शो है सिंचन नाटक, उसके अंदर जो सिंचन की बहन बनती है उस किरदार का नाम क्या है? तो ये रहे ऑप्शंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए मिस्टी, बी नैनी, सी हिमावारी, डी दादाजी। तो बताइए मीना कुमारी जी, आप किसको लॉक करना चाहेगी? सी को लॉक कीजिए। अच्छा जी, कंप्यूटर जी मीना कुमारी के लिए सी को लॉक कीजिए। तो ताला लगाएगा सी के ऊपर। अरे बाप, मीना कुमारी जी ने लिए ये प्रश्न भी, तालियां। तो मीना कुमारी जी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है पांचवा प्रश्न। 10 के बाद क्या आता है? आपके ऑप्शन ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए 102, बी 4101, सी 11 या फिर डी पता नहीं। तो बताइए मीना कुमारी जी, आप किसको लॉक करना चाहेगी? सी को लॉक कीजिए। तो लॉक कीजिए कंप्यूटर जी सी को, जो है 11। अरे वाह, मीना कुमारी जीत चुकी है पूरे के पूरे 30 रुपया। तो मीना कुमारी जी पहुंच चुकी है जैकपॉट प्रश्न पे, जो है नाशपाती प्रश्न। हम इसके लिए कब से इंतजार कर रहे थे, हम रोज नाशपाती लाते लेकिन वो रोज सड़ जाता, उसे कोई जीत के नहीं जाता। तो आज मीना कुमारी खेलने वाली है जैकपॉट प्रश्न। तो चलिए बताते हैं जैकपॉट प्रश्न। तो ये रहा छठा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक मुर्गा 20 फीट ऊंची मंजिल के ऊपर बैठा हुआ है, तो मुर्गे ने दिया अंडा। अब बताइए आप, मुर्गा ने जो अंडा दिया है वो नीचे गिर के फूटेगा या फिर नहीं? ये रहे आपके ऑप्शन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन ए हाँ फूटेगा, ऑप्शन बी नहीं फूटेगा, ऑप्शन सी हमें नहीं पता, ऑप्शन डी कि मुर्गा अंडा देता ही नहीं है। तो बताइए मीना कुमारी जी, आप ऑप्शन किसको लॉक करना चाहेगी? मुर्गा अंडा तो कंप्यूटर जी मीना कुमार जी कह रही है ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। तो करिए ऑप्शन डी को लॉक। मीना कुमार जीत गई है जैकपॉट प्रश्न। तो मीना कुमार जैसे कि जीत चुकी है जैकपॉट प्रश्न, जीत चुकी है नाशपाती। तो ये देखिए डिजिटली हम उनके घर पे ट्रांसफर करने वाले हैं नाशपाती को। तो ये देखिए मीना कुमारी नाम लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, आ चुका है नाशपाती बना हुआ। तो मीना कुमारी के घर पे जाने वाला है ये नाशपाती। तो चलिए ट्रांसफर कर देते हम। तो तालियां, जीत चुके मीना कुमारी आज। तो मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सारे कोरोना का नियमों का पालन कीजिए। गुड नाइट, शबा खैर।